अब ठीक है, जरूर जरूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह आना। अभी आएंगे शादी पे, व्लॉग बनाएंगे जबरदस्त, इंशाल्लाह जबरदस्त मजा आएगा। ठीक है, ओके, चलो बाय। हाँ, टेक केयर, बाय। एवरीवन, कैसे सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बालों की सेटिंग करने, क्योंकि शादी में बस लगभग 7 से 8 दिन रह गए हैं और दाढ़ी भी बहुत आ गई है। बराबर मैं आदिवासी लग रहा हूँ, क्योंकि शादी से एक दिन पहले अगर मैं कटिंग कराऊँगा तो अजीब दिखता है वो चोमू टाइप। तो 6-7 दिन पहले मैं कटिंग करा रहा हूँ, तो तब तक बाल अच्छे आएंगे। और जल्दी से निकलते हैं अब, क्योंकि कज़न वेट कर रहा है नीचे। उसके बाद मुझे जल्दी वहाँ से वापस आना है, फिर मुझे मुरीन के घर जाना है, मुरीन के यहाँ इनविटेशन कार्ड जो है वो देना है। और वहीं से मुझे इदरीस भाई के घर भी जाना था बारामुल्ला, लेकिन वो घर पे है नहीं, उनको कुछ काम पड़ा है दिल्ली में। फिर उसके बाद उनको यूनिवर्सिटी जाना है जयपुर, तो इसीलिए शायद वो शादी में नहीं आ पाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि मैं आना चाहता हूँ, तो लेकिन उनको बहुत ज़रूरी काम है, और वो भी ज़रूरी है, उनका काम भी ज़रूरी है, और यूनिवर्सिटी का काम भी बहुत ज़रूरी है। तो अब देखते हैं, अगर उनको लगा कि मैं उतना भी ज़रूरी नहीं है, तो उन्होंने बोला कि मैं ज़रूर आऊँगा। तो अब जल्दी से निकलते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाह, तुम क्यों वो यही थे क्या? सही महाराज है। हाँ मैं इसे जल्दी। यस, यहाँ पे बहुत भीड़ है यहाँ पे। देखो पागा कारण, मुझे टाइम लगेगा, मैं कल आऊँगा। सुना ठीक है? गास बिन। ये मुझे स्कूटी मजा। इमा तुम स्कूटी है? हाँ ना, चल। वाला स्कूल गो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, मैं कल आऊँगा, इसलिए बेहतर है मैं मुरीन के घर ही जाऊँगा आज। ठीक है, तू करियो मकला ही तेरे वैसे। वैसे मकला हो, वैसे बातचीत से पागा। मैं मिसाल को वही नहीं, बस इस पर एक बार बीमे। मैं इसे जी महाराज ही है तेरे। जी सही महाराज। माना है? नौगाम तो मुरीन आएगा बाहर। एक्चुअली उसको शूट पे जाना है, कहीं शूट पे निकलना है, तो मैंने उसको बोला कि मैं भी जल्दी में हूँ, अगर तू यहीं से आएगा बाहर तो मैं यहीं पे तुझे काटूँगा, फिर इंशाल्लाह कभी घर भी आएंगे जब भी टाइम आएगा इंशाल्लाह। तो अभी वो कार्ड लेगा यहीं से, तो फिर मैं वापस निकलूँगा, फिर उसके बाद मैच भी है, तो वो यहीं आ रहा है, उसको भी काम है, उसको भी शूट पे निकलना है कहीं। निशाद भाई क्या हाल है? ठीक है भाई, कैसे? रील क्रिएटर, रुको एक सेकंड, रुको, मेरे को अच्छा अच्छी फुटेज चाहिए, यहाँ से अच्छी है, धूप आ रही है, अच्छा आ रहा है। मूसा भाई रील्स बहुत फनी, बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाते हैं, जबरदस्त। तो थैंक यू, थैंक यू। इनकी अभी शादी होने वाली है, मुबारक आपको। अस्सलाम वालेकुम। अब ठीक, अच्छे से आज के ना, इंशाल्लाह सब कुछ। बीवी क्या करोगे फिर? हां फिर क्या करोगे जब बीवी देखेगी ये ब्लॉग? आप सच बनाए ना पोतस? वो भी बनाएंगे, बस बढ़िया। अब ठीक है, जरूर जरूर इंशाल्लाह आना। अभी आएंगे शादी पे, ब्लॉग बनाएंगे जबरदस्त, इंशाल्लाह जबरदस्त मजा आएगा। ठीक है, ओके, चलो बाय। हां टेक केयर, बाय। चलो तकलीफ लगी, सॉरी। हमें फैंस ने घेरा है, फैंस ने जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब करें। कहाँ करते हैं के मच रहे, वैसे यूट्यूब पे भी मचने चाहिए। ओके, थैंक यू भाई, ओके भाई। चलो जी, मैं निकल रहा हूँ। मैं क्या मिश कटिंग गया कर कटिंग को उस घर में अजय नदीम भाई।
ओ तारिक भाई तू ठीक सही से ठीक अच्छा ठीक असल भाई से क्या करा गसा छुए दीवाना जी से बंस बंस गसा कोच का समझ हां कोच दस बोल के यू है बगसा यू है पन्नी जाए शाम से हां मंस मंस बजाय में एक गाइस मैं उस थोड़ा जावा आज क्या बॉल बहुत निकलते हैं इसलिए बीच में कुछ नहीं काटना है मैं दवाई भी लगाता हूँ इसमें कैप मैंने आज पहली बार लगाया देखा कुछ क्या ना ना चलो जी हो गया डन सामान वायद ना आज वायद सामान चले जी अब चलते हैं घर बहुत भूख लगी है खाना भी नहीं खाया एवरीवन कैसे सब लोग तो मैच जो है फिर से स्टार्ट हो गया है वहीं से जहां से कल बारिश की वजह से कॉल्ड ऑफ हो गया था तो अब फिर से स्टार्ट हो गया लगभग 4:30-5 बजे तो अब बहुत अच्छा खेल रहे हैं सब बारिश ने सब बिगाड़ दिया सारा मज़ा ख़राब कर दिया है तो ये जो मैच है कल ही ख़त्म होने वाला था लेकिन बारिश ने सब कुछ जो है बर्बाद करके रखा है अभी भी बोल रहे हैं ये लोग कि बारिश होने वाली है फिर से तो अब देखते हैं कि कैसा मैच रहता है और कौन जीता है ऑब्वियसली जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा ये मैच फिर से स्टार्ट हो गया है 167 for 2 29 आवर्स हो गए हैं तबाही वाला स्कोर इंडिया ने खड़ा किया है 356 खत्म टाटा बाय बाय कोई जी पास आया अब पता नहीं पाकिस्तान क्या करेगा देखते हैं अब बहुत ही जबरदस्त खेला इंडिया ने मैच का दिवाला निकल गया है मरमरा के इन्होंने मरमरा के 100 रन करेंगे ये लोग ठीक है खाना खा लिया मैंने थोड़ा ज्यादा ही खा लिया आज थोड़ा ज्यादा ही खा लिया तो टेंशन में तो अब जाके करते हैं रेस्ट ठीक है पाकिस्तान ये मैच हार चुका है ओ तेरी तो जी पाकिस्तान ये मैच हार चुका है अब पाकिस्तान को कोई चांस नहीं है ठीक है तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में थैंक यू सो मच अगर आपको किसी भी रीजन से ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू सो मच अस्सलाम वालेकुम